आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के दो सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब की। दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंथ एक्टिव यूजर्स के मामले में पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। 2.2 बिलियन एक्टिव यूजर्स के साथ फेसबुक पहले नंबर पर आता है और 1.8 बिलियन एक्टिव यूजर्स के साथ यूट्यूब दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन जल्द ही यूट्यूब फेसबुक को यूजर्स के मामले में पीछे कर देगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म इतने बड़े हैं कि फेसबुक पर हर रोज 300 मिलियन से भी अधिक यानी कि 30 करोड़ फोटोज अपलोड किए जाते हैं। वहीं YouTube पर हर रोज 1.3 बिलियन आवर्स वीडियोस देखी जाती है। लगभग हर दिन 5 बिलियन यानी कि दुनिया की 3/4 हिस्से के बराबर वीडियोस अपलोड की जाती है। तो आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों प्लेटफॉर्म कितने बड़े हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं दो सुपर जायंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की केस स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी लोगों को इस वीडियो में बहुत सी नई जानकारी जानने को मिलेगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक यूट्यूब से मात्र 1 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया था। फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही सोशल मीडिया साइट्स पहली बार में फेसबुक और यूट्यूब नहीं बनी थी। उससे पहले इनके नाम कुछ और हुआ करते थे। फेसबुक को शुरुआती समय में मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज टाइम पर बनाया था। उस वक्त इस साइट का नाम हॉट और नॉट हुआ करता था, जिस पर कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी फोटोज अपलोड किया करते थे और हॉट और नॉट का कंपैरिजन किया करते थे। धीरे धीरे करके ये साइट पॉपुलर होने लगी थी। तो फिर मार्क जुकरबर्ग ने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और 4 फरवरी 2004 को इस साइट का नाम बदलकर न्यू फीचर्स के साथ द फेसबुक लॉन्च किया गया, जो कि आज डेली एक्टिव यूजर्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुकी है, जिसका सालाना टर्नओवर 40 बिलियन यानी कि 2,93,000 करोड़ से भी अधिक का है। और फेसबुक कंपनी के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग आज दुनिया के 5वें सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 71 बिलियन यानी कि 5,30,000 करोड़ रुपए के बराबर है। और मार्क जुकरबर्ग की उम्र अभी मात्र 33 वर्ष है। एलेक्सा के अकॉर्डिंग टॉप साइट्स रैंकिंग में फेसबुक तीसरे नंबर पर आती है, यूट्यूब दूसरे नंबर पर और google.com पहले नंबर पर आती है। आज की तारीख में फेसबुक में 30,273 से भी ज़्यादा इम्प्लॉयज काम करते हैं और फेसबुक के 2.2 बिलियन से भी अधिक मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि इसे एक्टिव यूजर्स के मामले में दुनिया की नंबर वन साइट बनाता है। और दूसरे नंबर पर यूट्यूब आता है। फेसबुक की बिजनेस स्ट्रेटेजी है ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को जोड़ना और उन्हें आपस में इंटरकनेक्ट कर देना, यानी कि एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया परिवार बना देना और यूजर को बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस दिलाना। फेसबुक साइट का लोडिंग टाइम बहुत ही कम है, यानी कि कम इंटरनेट स्पीड पर भी आपको फेसबुक साइट आसानी से लोड हो जाती है, क्योंकि फेसबुक ने अपने डाटा को कुछ इस तरह से मैनेज कर रखा है कि कम इंटरनेट स्पीड पर भी ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आपका फैच हो सके। फेसबुक का सीधा सा बिजनेस मॉडल है यूजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा करना, ताकि मार्केट में यूजर्स को अच्छे से पोजीशन किया जा सके। अगर मार्केट में यूज़र को अच्छे से पोजीशन कर लिया तो, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाते हैं और एडवर्टाइजर्स जब फेसबुक या यूट्यूब पर अपनी एड लगाते हैं तो फेसबुक आपके डाटा का यूज़ यहाँ कैसे करता है, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति अपनी डेटिंग वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, तो क्योंकि डेटिंग साइट की ज़रूरत तो 17 से 25 वर्ष तक के लोगों को पड़ती है, तो एडवर्टाइजमेंट को सभी एज ग्रुप के लोगों को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब एडवर्टाइजर्स इन प्लेटफॉर्म पर अपनी एड लगाते हैं तो स्पेसिफिक रेंज के यूजर्स में ही लगाते हैं, क्योंकि फेसबुक पर आप लोगों ने पहले से ही अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करवाई होती है, जिस वजह से उन्हें आपकी करंट एज मालूम हो जाती है और इस करंट डाटा की वजह से ही वो एडवर्टाइजमेंट को सही तरीके से पोजीशन कर पाते हैं। यानी कि एडवर्टाइजमेंट को डायरेक्टली उस टारगेटेड पर्सन को दिखाया जाता है जिसे कि उस एडवर्टाइजमेंट की असल में ज़रूरत है। यहाँ फेसबुक के पास आपका केवल डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बल्कि आपका बहुत सा पर्सनल डेटा मौजूद है। वहीं फेसबुक समय के साथ साथ अपनी वेबसाइट इम्प्रूव भी करते गए। पहले आप केवल जहाँ फोटोज़ ही ऐड कर पाते थे, अब 2012 के बाद आपको वीडियोस ऐड करने का ऑप्शन भी दे दिया, जिससे लोग ज़्यादा इंगेज होने लगे। और फिर फेसबुक ने स्टेटस अपलोड का ऑप्शन भी दिया और जिस तरह से कि फेसबुक और ज़्यादा एडवांस हो गई, क्योंकि जुकरबर्ग को मालूम था कि टॉप पर रहने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो फिर अपने कॉम्पिटिटर को डोमिनेट कर दो या फिर कॉम्पिटिटर को अपने साथ मिला लो। तो फेसबुक ने भी कुछ सेम स्ट्रेटेजी अपनाई और फेसबुक ने मार्केट की दो सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया और मार्केट के सोशल मीडिया कंपटीशन को लगभग ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि इनके अलावा दूसरी जो भी अभी साइट्स हैं
वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि फेसबुक को टक्कर दे सके। इस तरह से फेसबुक ने अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म कर दिया और सरल भाषा में कहें तो अपने बिजनेस को बढ़ा दिया, क्योंकि अब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही फेसबुक की अर्निंग का बड़ा हिस्सा है। अब अगर बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब 2005 में तीन शख्स ने बनाया था और ये तीनों शख्स पहले पेपॉल के लिए काम करते थे। लेकिन यूट्यूब भी यूट्यूब पहली बार में नहीं बना था, पहले ये एक डेटिंग साइट हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ जब उन तीनों ने देखा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि कई जगहों पर कई तरह की वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद ही नहीं था उस वक्त जिस पर कि लोग किसी जगह की कोई वीडियो डाल सके और उसे देख भी सके, तो फिर इन तीनों ने एक ऐसी वेबसाइट बनाने का सोचा जिस पर कि लोग वीडियोस अपलोड कर सके, और वो साइट थी यूट्यूब, जिन पर कि लोग अपनी वीडियोस अपलोड कर सके और उन्हें देख भी सके। लेकिन यूट्यूब के बनने के 1.5 साल बाद ही नवंबर 2006 में गूगल ने यूट्यूब को इन तीन शख्स से $1.5 बिलियन में इस साइट को खरीद लिया और इस यूट्यूब वेबसाइट पर काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट लाए, क्योंकि गूगल को मालूम था कि फ्यूचर वीडियो स्ट्रीमिंग और इंटरनेट का है। एलेक्सा ग्लोबल रैंकिंग के अकॉर्डिंग आज ये वेबसाइट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वेबसाइट है। गूगल की बिजनेस स्ट्रेटेजी बिल्कुल सीधी साधी है, वो केवल अपने प्रोडक्ट का इकोसिस्टम तैयार करना चाहते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड 73% मार्केट पर आज एंड्रॉयड का ही कब्जा है, एक इकोसिस्टम तैयार कर दिया है उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का। वैसे ही वीडियो स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया नेटवर्क में भी यूट्यूब के थ्रू वो मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। साधारण भाषा में कहें तो मतलब ये है कि यूट्यूब केवल लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जो कि फ्री अवेलेबल होता है, और यूट्यूब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक इकोसिस्टम बना रहा है जहां एक तरफ क्रिएटर्स पूरी मेहनत करके यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस है जो कि अपने काम की वीडियो यहां से फ्री में देखकर जाती है, वहीं तीसरी तरफ आता है एडवर्टाइजर जिसे ज़रूरत होती है ऑडियंस की। वहीं यूट्यूब के पास तो पर मंथ 1.8 बिलियन से ज़्यादा की एक्टिव ऑडियंस है, तो एडवर्टाइजर्स के लिए भी ये इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया, जहाँ पर कि एडवर्टाइजर्स अपनी एड को काफ़ी कम दाम पर प्रमोट कर सकते हैं, और इसी एडवर्टाइजमेंट के पैसे से यूट्यूब और क्रिएटर फिर पैसा कमाते हैं, और यही एडवर्टाइजर कंपनियाँ यूट्यूब के थ्रू एड लगाकर यूट्यूब के यूजर्स को अपने प्रोडक्ट बिकवाती है और उनसे पैसा कमाती है, जिस वजह से कि यूट्यूब एक इकोसिस्टम बन चुका है। और यूट्यूब कुछ समय में टीवी को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा और लोग पूरी तरह से यूट्यूब पर शिफ्ट कर जाएंगे और पूरी तरह से यूट्यूब पर ही डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ फ्री में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो, एजुकेशन भी ले सकते हो, और अगर आप में कोई टैलेंट है उसे भी आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखा सकते हो। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म फ्रीली अवेलेबल है। जैसा कि आप सभी लोग मेरे चैनल पर अभी इस वीडियो को देखकर इतनी सारी नॉलेज ले चुके हो, ये केवल पॉसिबल हो सका यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म की वजह से। इससे पता चलता है कि यूट्यूब ने किस तरह से इस इकोसिस्टम को बनाए रखा है। वहीं फेसबुक ने भी वीडियो एडवर्टाइजमेंट का ट्रेंड शुरू कर लिया है। वीडियो स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मामले में फेसबुक अभी भी यूट्यूब के सामने काफी छोटा है। यूट्यूब इकोसिस्टम बनाने में लगा है और फेसबुक अपने डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग करने में लगा है, जिससे कि दोनों ही वेबसाइट रिवेन्यू जनरेट करती है। तो दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए डेडिकेटेड है। इस चीज में यूट्यूब का ना तो कोई कॉम्पिटिटर था और ना कोई अभी है, और फिलहाल अभी तक तो यूट्यूब का कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं हो सका है और ना वर्तमान में है। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि कोई YouTube जैसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है जो कि वीडियो स्ट्रीमिंग के मामले में YouTube को टक्कर दे सके। Facebook भी अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहा है YouTube को टक्कर देने की, लेकिन Facebook का अभी इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है जो कि यूट्यूब की बराबरी कर सके। वैसे भी फेसबुक काम करता है यूजर्स को अपने फैमिली फ्रेंड्स और न्यू यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करवाने में और उन्हें एक दूसरे के साथ इंगेज करने में। लेकिन जो भी हो, अगर हम दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का समअप निकालें तो मेरे हिसाब से तो यूट्यूब फेसबुक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फेसबुक पर आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम यूं ही बर्बाद हो जाता है और फेसबुक पर कुछ ज़्यादा सीखने के लिए उतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं है जितनी कि यूट्यूब पर है। यूट्यूब पर चाहे आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन बेस्ड चीज़ें भी सीख सकते हो, आप यहाँ पर बिजनेस स्ट्रेटेजी सीख सकते हो, आप यहाँ पर डांस सीख सकते हो, आप यहाँ पर सिंगिंग सीख सकते हो, आप यहाँ पर पेंटिंग सीख सकते हो, लेकिन फेसबुक पर अभी ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर मेरा खुद का ओपिनियन लिया जाए तो यूट्यूब फेसबुक के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। तो आप सभी लोगों की क्या राय है, कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर है और क्यों, और आप किस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो,
प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह की अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत